हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। इससे पहले जो है कि हिस्ट्री में पार्ट फर्स्ट में हम लोग एक क्लास पढ़े थे और उसमें से लेसन फर्स्ट पढ़े थे। लेसन फर्स्ट में पढ़े थे हम लोग कि कहाँ, कब और कैसे, और काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़े थे कि हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री क्या विशेषता होता है। तो कुछ स्टूडेंट जो है कि ऐसी होगी जो कि वीडियो को नहीं देख पाई या जो है कि अब तक नहीं देखी होगी, तो उसके लिए जो है कि फिर एक बार हम रिकैप कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं ताकि उसको ये समझ में आ जाए। और एक चीज़ बता दें कि इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी सोशल सब्जेक्ट में जो तीन हम लोग जो है कि ये पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, उसमें से जो है कि हम लोग ज्योग्राफी का 3 लेसन पढ़ के उसका एग्ज़ाम भी दे चुके हैं। अब हम सोच रहे हैं कि जो सेकेंड बुक है यानी हिस्ट्री, उसका भी 3 लेसन पढ़ लेंगे और इंशाल्लाह फिर उसके बाद सिविक्स का भी 3 लेसन पढ़ेंगे। तो इस तरह से एक सीक्वेंस में हो जाएगा सोशल का तीनों सब्जेक्ट। तो इससे पहले जो है लेसन फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास में तिथि का क्या महत्व होता है। तो पढ़े थे कि बीती हुई जो घटनाएं होती है उसका जब विवरण हम लोग पढ़ते हैं, विवरण पढ़ करके उसका अध्ययन करके जानकारी हासिल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी शॉर्ट में ऐसे बोलें कि बीती हुई जो घटनाएं होती है उसे जब हम वर्तमान में पढ़ते हैं और समझते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास में एक तिथि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आप तिथि को नहीं जानेंगे तो फिर उसका नेगेटिव पॉजिटिव आप कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे कि वो घटना बहुत ही दर्दनायक थी। अगर वो घटनाएं हुई तो वास्तव में जो है कि वो होना था, तो तिथि को जानना जरूरी है। उसमें से एक एग्जाम्पल बताए थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। इतिहासकारों ने इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है कि एक विवरण दिया है और बताया है कि अंग्रेजी हुकूमत में, जब अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में चल रही थी तो उस वक्त जो है कि उन्होंने एक रोलेक्ट एक्ट नाम का एक कानून लेके आया था जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आया था। उस एक्ट का जो है कि उस एक्ट में ऐसा था कि किसी भी व्यक्ति को यानी किसी भी हिंदुस्तानी को वो शंका की दृष्टि से या जानबूझकर करके उसे अरेस्ट करता था और अरेस्ट करने के बाद वो अरेस्ट व्यक्ति के जो परिजन होते थे, जो गार्जियन होते थे, उसके लिए ये नियम था कि ना आप किसी भी तरह का कोई दलील कर सकते हैं, ना भी किसी भी तरह का कोई वकील कर सकते हैं और ना ही जो है कि उस पर किसी भी तरह का कोई अपोज कर सकते हैं और ना ही उस पर किसी भी तरह का कोई फैसला सुनवाया जाएगा। तो बहुत सारे हिंदुस्तानी जो है कि उस वक्त पकड़े जाते थे और जो है कि उससे जेलों में जो है कि डाल दिया गया, जैसे कि आपका खुदीराम बोस हो गया, उसके बाद बिस्मिल हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ये सब जो है कि जो महत्वपूर्ण राजनेता थे, लोकप्रिय राजनेता थे, उसे जो है कि पकड़ के जेलों में डालने लगा। हिंदुस्तानी लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा क्योंकि अगर कोई गलती करेंगे तभी तो जो है उसको सजा मिलना होगा, तो बिना जो है कि गलती किए हुए उसे सजा दी जाती थी। तो उसी के विरोध में एक गुप्त जो है कि सम्मेलन, एक गुप्त जो है कि मीटिंग करने के लिए जलियांवाला बाग जो पंजाब के अमृतसर में आता है वहाँ पर जो है कि एक सभा रखा गया था। और उस वक्त का जो आला अधिकारी था, अंग्रेजी आला अधिकारी, उसका नाम था जनरल डायर। जैसे ही उसे सूचना मिला तो उन्होंने अपने साथ जो है कि 200 पुलिस फोर्स के साथ वहां पर पहुंचा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उस जलियांवाला बाग जो है कि आने जाने का जो है कि केवल एक ही रास्ता था और वो रास्ता के ही जो है कि पास सारे फोर्स खड़े थे और उन्होंने यानी आपका जो है जनरल डायर ने ये ऑर्डर दिया कि आप इस पर जो है कि क्या करें, गोली जो है कि चलाना शुरू कर दें। उनमें से जो है कि 2000 से अधिक जो है कि व्यक्ति जो है कि घायल हो गए और 400 लगभग 400 व्यक्ति जो है कि मारे गए। इस दर्दनाक घटना को ही जो है कि
भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 को ईस्वी को हुआ। तो ये तिथि को बतलाता है, ये तिथि को बतलाता है, और ये जो है कि हमें सीख देती है कि अगर कोई भी सम्मेलन अगर होता है तो वो सम्मेलन में जो है कि वो सिक्योरिटी होना चाहिए। अगर पता रहता हिंदुस्तानी को कि इस तरह से जो है कि अंग्रेजी हुकूमत हम पर हमला करेगा, तो फिर तो उस वक्त जो है कि वो ऐसा माहौल बना करके नहीं रखता, वो भी अपने आप में जो है कि एक क्या कहता है कि वो सिक्योरिटी के रूप में जो है कि वो रखता और अपने आप में सतर्क रहता। इसलिए तो यहाँ पर हमको देखने को मिला ये तीन चीज जो इतिहास में जो है कि इतिहास की पूर्ण जानकारी तब हमें मिलती है जब ये तीनों प्रश्न का जो है कि हमें उत्तर मिल जाता है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। जैसे कहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कैसे हुआ था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध के रूप में जो है कि एक सभा हो रहा था, तो अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर गोली चलाई थी, तो इस प्रकार से जो है कि वो हुआ था। तो ये आपका तिथि बतला दिया। अगर 13 अप्रैल 1919 की जानकारी हमें नहीं होती तो फिर ये इतिहास कैसा माना जाता, अधूरा माना जाता, फिर हमें ये निश्चित नहीं होता कि ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, ये हमको पता नहीं रहता। इसलिए तिथि का बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग लेसन फर्स्ट में पढ़े थे कि भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास के अध्ययन के सुविधा के लिए इतिहास को, भारतीय इतिहास को तीन खंडों में विभाजित किया है। पहला प्राचीनकालीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और तीसरा जो है कि आपका आधुनिक कालीन जो है कि भारतीय इतिहास। तो तीन तरह का जो है कि तीन भागों में से विभाजित किया गया। प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में हम लोग क्लास सिक्स में जो है कि डिटेल में पढ़े थे। अब क्लास सेवन्थ में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक कालीन जो है कि भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कि मध्यकालीन इतिहास को दो खंडों में बांटा गया। वो पहला क्या है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और दूसरा है उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो ये दो तरह का हो गया। उसका एक आपका क्या कहते हैं कि ईस्वी भी, उसका सन भी जो है कि एक डिटेल में दिया हुआ था कि आठवीं से तेरहवीं सदी के बीच, ईस्वी के बीच में वो पूर्व मध्यकालीन इतिहास माना जाता है, और तेरहवीं से अठारहवीं के बीच में उत्तर मध्यकालीन इतिहास माना जाता है। तो इस तरह से अगर हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट लें तो ये क्या होगा, आठवीं जो है कि आठवीं ईस्वी से लेकर के अठारहवीं ईस्वी तक जो है कि मध्यकालीन इतिहास माना जाता है। दोनों का अपना अपना एक विशेषता है। ये तीन जो है, प्राचीन कालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और जो है कि आपका आधुनिक कालीन इतिहास, तीनों इतिहास की अपनी अपनी एक कुछ विशेषताएं होती है। जैसे मध्यकालीन इतिहास की विशेषता में से इसे जब दो खंडों में बांटा गया तो उत्तर मध्यकालीन इतिहास में आपका पूर्व मध्यकालीन इतिहास में कहा गया कि नए नए राज्यों की जो है स्थापना हुई और उन राज्यों के मध्य जो है कि क्या हुआ, दोनों के बीच में जो है कि एक युद्ध जैसा माहौल बना और फिर एक दूसरे को हड़प करने में, एक दूसरे को लूटने में, एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए जो है कभी हमेशा जो है कि एक लड़ाई का माहौल जो है कि बना हुआ रहता था। उसके बाद जो है कि आपका जो उत्तर मध्यकालीन इतिहास है वही उत्तर मध्यकालीन इतिहास में ही जो है कि क्या अंग्रेजी हुकूमत हुई और उसी में से जो है कि फिर आपके मुगल सम्राट आए और फिर मुगल सम्राट के बीच में यहाँ के विभिन्न राज्यों के बीच में जो है कि काफ़ी तकरार हुई और फिर उसमें से जो है कि इस तरह से कई स्वतंत्र राज्यों को आपस में मिलाकर के बड़े राज्यों का जो है कि निर्माण करवाया गया। तो ये इनकी विशेषता है। आज जो है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में कैसे जानेंगे, चूँकि ये इतिहास है, ये बीती हुई घटना है, उस वक्त ना हम थे ना आप थे, सिर्फ जो है कि लिखी हुई जो किताब में है उसी को पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में जो है कि क्या हुआ था और उससे फिर तुलना भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो है मध्यकाल में ही जो है कि आपका ताजमहल का निर्माण हुआ, जो मुगल सम्राट जो है कि के द्वारा
जागीर के इसमें से जो है कि मुमताज़ महल के द्वारा जो है कि वो निर्मित किया गया था, जो आपके आगरा में स्थित है। तो ये क्या है, एक आपका जो है कि निशानी, एक पहचान है मध्यकालीन इतिहास का। उसी तरह से जो है कि आपका क्या है, जामा मस्जिद है, दिल्ली का जामा मस्जिद, उसी तरह से जो है कुतुब मीनार है, और उसके बाद जो है कि लाल किला है, ये सब क्या है, एक पहचान है, एक स्रोत है। तो किसी भी इतिहास के जो है कि पहचान करने के लिए कुछ स्रोत होता है, कुछ माध्यम होता है। तो इसे दो खंडों में विभाजित किया गया है, पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पूरा मतलब होता है पुराना, और तात्विक मतलब होता है आपका वस्तु या जो है कि कला या सिक्के या पत्थर, चूंकि पहले पत्थरों पर लिखा जाता था, और उसके बाद जो है कि अपने नाम से जो भी सम्राट आता था अपने नाम से अपने तस्वीर के साथ सिक्के चलवाए जाते थे। जैसे बाबर ने आया, बाबर ने जो है कि अपने नाम पर सिक्के चलवाया, उसी तरह से जो है कि बाबर के बाद जो हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, जो भी आते थे वो अपने नाम पर जो है कि सिक्के चलवाते थे, चाहे वो तांबा का हो, चाहे जो है कि पीतल का हो, चाहे जो है कि लोहा को, जिस चीज का हो, वो अपने नाम से जो है कि एक सिक्के चलवा देते थे, ताकि उसका जो है कि नाम हो सके, एक पहचान हो सके। तो इस तरह से जो है कि पुरातात्विक स्रोत यानी पुराने जमाने का जो तत्व है, जो वस्तु है, जो महल है, जो इमारत है, उसी को पुरातात्विक कहा जाता है, और वो स्रोत हमारे लिए एक माध्यम है, तो स्रोत उसे कहा गया। तो उसमें से क्या है, एग्जाम्पल के तौर में कहा गया है, उत्खनन से मिली सामग्री। उत्खनन मतलब होता है जिसे हम जमीन खोद करके, पृथ्वी को खोद करके जब हम उस स्रोत को निकालते हैं, उस वस्तु को निकालते हैं, तो उसे उत्खनन से मिली सामग्री कहा जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, अभी हमको कुछ पता नहीं है, मोहनजोदड़ो जो है कि सभ्यता, ये कुछ पता नहीं है। जब हम पृथ्वी को जो है कि वहाँ जो है कि हम खोदे, जब पृथ्वी का जो है कि मिट्टी को हटाएं, तो विभिन्न प्रकार के से जो है कि वहाँ दीवार टुकड़ा मिला, ईंटा का जो है कि टुकड़ा मिला, और बहुत सारे जो है कि सोने चांदी का जो है कि क्या गहना जेवर और मूर्ति जो है कि मिला। तो वो क्या है, उत्खनन कार्य है, यानी उत्खनन उससे जब खोदा गया, और खोदने के दरमियान, खोदने के दौरान विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जो है कि मिला, बहुत सारे जो है कि गुंबद किला टाइप का मिला, तो वही है क्या है, उत्खनन सामग्री। उसके बाद है स्मारक, उसके बाद है सिक्के। जैसे बताया कि जो भी सम्राट आते थे वो अपने नाम पर जो है कि सिक्का जो है कि चलवाता था, एक सिक्का जो है कि ढलवा के ढाल करके जो है कि उसे अपने सम्राट, अपने राज्य में जो है कि उसे विस्तृत करता था, तो उसका एक पहचान हो जाता था कि ये किस काल का है, तो ये बाबर के काल का है, ये हुमायूं के काल का है, ये शाहजहां के काल का है, तो उसके सिक्के से जो है कि पहचान हो जाता था। आगे है भवनों के अवशेष, बहुत सारे भवन ऐसे हैं जो जमीन के नीचे जो है कि वो दब गया, अब उससे जब निकाला जाता है तो फिर तब उससे पता चलता है ये किस काल का था, किस वक्त का था। अब आगे है जैसे इमारतों में है आपका कुतुब मीनार, आगरे का किला, लाल किला, फतेहपुर सिकरी, जामा मस्जिद, ताजमहल, ये क्या है, पुरातात्विक जो है कि स्रोत माना जाता है। दूसरा जो है आपका साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक यानी उस जमाने में जो सम्राट हुआ करते थे वो अपने आर्थिक जो है कि जो रूपरेखा होता था, जो सामाजिक रूपरेखा होता था, वो अपना एक तरह का जो है कानून बनाता था, तो वो कानून को, उसके नियम को जो है कि लिखा जाता था। तो लिखी हुई जो है कि जो, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे डायरी हो, चाहे जो है कि उसके पन्ने हो, जो भी हो, वो क्या है उसके लिए एक साहित्यिक माना जाता है। तो उस साहित्यिक स्रोत में से जो है कि आपका धर्म ग्रंथ भी हो सकता है, विज्ञान के ग्रंथ भी हो सकते हैं, किस प्रकार का विज्ञान उस वक्त काम करता था, किस प्रकार से जो है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जो है कि सफ़र किया करते थे, किसके माध्यम से किया करते थे, तो वो क्या है, विज्ञान के बारे में, विज्ञान ग्रंथ के बारे में बताता है। तो मध्यकालीन इतिहास के समय विज्ञान किस तरह का डेवलप करता था, किस तरह से जो है कि डेवलप किया था, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, तो विज्ञान ग्रंथ से मिलेगी। उसी प्रकार जो है कि धर्म ग्रंथ भी हैं, जो भी सम्राट आते थे वो अपने अनुसार जो है कि धर्म में परिवर्तन करते थे। जैसे अकबर हो गया, अकबर का जो है कि जो धर्म ग्रंथ था वो अकबरनामा, उसके बाद जो है कि आपका बाबर का है तो तुझु के बाबरी, इस तरह से जो है कि उसका एक ग्रंथ होता था, तो उसी को जो है कि साहित्यिक स्रोत जो है कि माना गया। जब इसका हम लोग अध्ययन करते हैं, जब इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इसको देखते हैं,
तो फिर हमें मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये चीज एक स्थान पर जो है कि कहीं पर रखा जाता है, जिसे हम लोग समाहरणालय जो है कि जैसे जहाँ पर जिसे रखा जाता है, वहाँ पर जब जाइएगा, जैसे गांधी समाहरणालय है आपका, गांधी पुस्तकालय है, जब आप जाइएगा तो गांधी जी के समय तो हम लोग थे नहीं, लेकिन उसका जीवनी क्या था, उसका रहने सहने का तरीका क्या था, किस तरह से जो है कि वो अपना जीवन व्यतीत किए, तो उनके लिखे हुए जो है कि जो ग्रंथ है, जब उसको हम पढ़ते हैं, जब समझते हैं, तो फिर उनके बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो जब आप जाइएगा लाइब्रेरी जाइएगा तो वहाँ पर बहुत तरह के जो है कि किताबें आपको मिलेगी। उसी तरह से आप म्यूजियम चले जाइएगा, म्यूजियम में जो कि पुराने जमाने का मध्यकालीन भारतीय इतिहास, प्राचीनकालीन भारतीय इतिहास का जो है कि बहुत सारी निशानी जो है कि वहाँ रखा जाता है, आप उसे देख करके जो है कि आप जानकारी जो है कि हासिल कर सकते हैं। तो पढ़ने का मतलब ये होता है कि उसका पूर्ण रूप से अध्ययन करना। तो हम लोग ये चीज़ जाने कि पुरातात्विक स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत क्या है, तो जब हम म्यूजियम जाएंगे तो फिर वहाँ पर देखेंगे कि ये मध्यकालीन इतिहास का है, ये प्राचीनकालीन इतिहास का है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपका दिया हुआ है लेसन का जो है कि लास्ट में, जिसमें से दो प्रश्न आपको दिए भी थे बनाने के लिए, और वो बन भी गया है, बहुत सारी जो है कि बच्चियाँ भेजी भी हैं, हम देखे भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो है कि आप लोग सॉल्व करके भेजे हैं, जो अब तक नहीं भेजे हैं उसको भेजे, वो भी जो है कि भेजने का कोशिश कीजिए। और जो बाकी क्वेश्चन रह गया है आप एक नोट्स के रूप में जो है कि उसको बना लीजिए और फिर उसको हम चेक करेंगे आगे।